अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाई मोशन टीवी रहोते स्तर के साथ मैं हूं अदनान सिद्दीकी। नवा T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जा रहा है, जहां अमेरिका की टीम भी डेब्यू कर रही है। 20 टीमें इस वक्त शरीक हो रही है टूर्नामेंट में। 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, कैनेडा, आयरलैंड और अमेरिका टीम में की शरीक हो रही हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, आयरलैंड की सीरीज देख लें, और उनका सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मायूस किया है। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नाकाम साबित हुए हैं, और मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की कोई खातिर हुआ परफॉर्मेंस होगी। कोई मैच फिनिशर इनके पास मौजूद नहीं है पाकिस्तान के पास, जिसको देखो अपना गेम खेलता है। फखर सलमान की अगर बात करें, उस पर भरपूर फॉर्म में है, फखर से उम्मीदें हैं। बाकी कप्तान जो बाबर आजम है, नाकाम साबित हुए हैं, इनको कप्तान बनाना ही चाहिए था। पसंद नापसंद की वजह से ये एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ले डूबेंगे। अब खदशा यही हो रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेकेंड राउंड में जाना भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी अपसेट कर सकती है, क्योंकि अमेरिका को होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज है। इंडिया भी टफ टाइम देगी पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान को इंडिया का मैच है 9 जून को खेला जाएगा, उसको शायकी ने क्रिकेट को बहुत दिलचस्पी से इंतजार है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। कोई मैच जीत नहीं देगा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जरूर मैच जीते। हमारी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि वो अच्छा परफॉर्म करें। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आ जाए। बहुत 3 सीरीज जो हमने कही है बड़ी नाकाम सामने, इससे बाबर आजम अपनी कप्तानी के शिकस्त जो हुई है, इससे सबक सीखें कि हमें क्या गलती हमारे से हो रही है जो हम ना कर सकें। आइंदा हमें मोहतात रहना है। हमें अपने मिडिल ऑर्डर में जो हमारे बेस्ट 4 हमने फास्ट बॉलर से खिला दिए हैं, मगर वो भी नाकाम सामने। नसीम शाह की बात करें, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 55 रन की उन्होंने मार बर्दाश्त करी है। मोहम्मद आमिर आए, हमें बहुत अच्छी उम्मीद लगी थी, मगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। अब साइम अयूब पर ज़रा सा कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि साइम अयूब जो इसको चांस के लिए, असल में मसला ये आता है कि वो कराची का लड़का है, ज़रा सा कॉन्फिडेंस की कमी है आ जाती है, परफॉर्म नहीं करता। डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है साइम अयूब, मगर वो जब इंटरनेशनल लीग होती है तो प्रेशर इतना होता है जो बर्दाश्त नहीं करता। हमारी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि अल्लाह पाक इस बार T20 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान से लेकर आए। इसी के साथ अदनान सिद्दीकी से इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।